हेलो क्रिकेट फैंस, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस आईपीएल टीम के बारे में जिसने आईपीएल 2020 के ऑक्शंस के सबसे महंगे खिलाड़ी पैट्रिक कमिंस को 15.5 करोड़ में अपने टीम में शामिल किया, और वो टीम है दो बार की आईपीएल चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के बारे में, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि कोलकाता ने रिटेन किए थे, और कौन कौन से प्लेयर्स कोलकाता ने ऑप्शन में खरीदे, उसके बाद कोलकाता का पूरा स्क्वाड कैसा दिखाई दे रहा है, कोलकाता का प्रोबेबल प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और ये टीम आईपीएल 2020 में कहां तक पहुंच सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो कि केकेआर ने रिटेन किए थे ऑक्शन से पहले, और उन प्लेयर्स में शामिल है दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कुलदीप यादव, शुभमन गिल, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वॉरियर, लॉकी फर्ग्यूसन, हैरी गर्नी, कमलेश नारकोटी और शिवम मावी। अब उन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिनको केकेआर ने आईपीएल 2020 ऑप्शंस में खरीदा, और उन प्लेयर्स में शामिल है ओएन मॉर्गन, पैट्रिक कमिंस, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, एम सिद्धार्थ, क्रिस ग्रीन, टॉम बेंटन और प्रवीण तांबे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो केकेआर का टीम है उसका प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर चार फॉरेन प्लेयर्स की बात करें जो कि हर एक मैच में खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, उनमें नाम है आंद्रे रसल, सुनील नारायण, ओएन मॉर्गन और पैट कमिंस का। उसके बाद अगर प्लेइंग 11 पे जाएं तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल एक ऑब्वियस ओपनर है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने ओपनिंग में अच्छा काम किया था और उनको ज़रूर ओपन कराना चाहिए केकेआर को। शुभमन गिल के साथ मेरा जो ओपिनियन है वहाँ पे नीतीश राणा ओपन करना चाहिए, लेकिन केकेआर का जो टीम मैनेजमेंट रहा है उन्होंने सुनील नारायण के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा दिखाया है, तो हो सकता है सुनील नारायण और शुभमन गिल ओपन करते हुए दिखाई दें, लेकिन मेरे हिसाब से नीतीश राणा और शुभमन गिल को ज़रूर ओपनिंग करना चाहिए केकेआर के लिए। नंबर तीन पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है राहुल त्रिपाठी, क्योंकि राहुल त्रिपाठी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अगर केकेआर सोचेगा राहुल त्रिपाठी को मिडिल ऑर्डर में खिलाने का तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने जब भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हुए दिया है। तो राहुल त्रिपाठी नंबर तीन पर खेलने चाहिए, नंबर चार पर ओएन मॉर्गन, पांच पर दिनेश कार्तिक, छह पर आंद्रे रसल। तो इस टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है इस समय। और उसके बाद स्पिनर्स की बात करें वहां पर सुनील नारायण है, कुलदीप यादव है, और तीन फास्ट बॉलर्स केकेआर खिलाएगा अगर ईडन गार्डन्स में मैच हो तो, क्योंकि ईडन गार्डन्स का जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है। तो वहाँ पे पैट कमिंस होंगे एक ऑब्वियस चॉइस, और पैट कमिंस के साथ दो इंडियन फास्ट बॉलर्स केकेआर को खिलाने पड़ेंगे, और उसमें से एक जो होंगे वो प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है केकेआर के लिए आईपीएल में, और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ कमलेश नारकोटी और शिवम मावी, इन दोनों में से जो भी फिट होंगे वो ज़रूर खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। तो ये हो सकता है केकेआर का प्रोबेबल प्लेइंग 11 आईपीएल 2020 के समय। अब इस टीम की अगर बात करें तो इस टीम के अभी भी जो सबसे बड़े स्ट्रेंथ है वो आंद्रे रसल ही होंगे। आंद्रे रसल का अच्छा परफॉर्मेंस करना इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओएन मॉर्गन के जुड़ जाने से कहीं ना कहीं आंद्रे रसल के ऊपर थोड़ा प्रेशर कम होगा, क्योंकि ओएन मॉर्गन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और शुभमन गिल जो है वो अगर उनको ओपनिंग में सभी मैचेस दिए जाएँ अच्छे से तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल भी एज अ मैच विनर उनके लिए साबित हो सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है शुभमन गिल के पास। और बॉलिंग में बात करें कुलदीप यादव अच्छे फॉर्म में है जो कि केकेआर के लिए एक अच्छी खबर है। सुनील नारायण भी एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन देखना होगा किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहता है। पैट कमिंस से बहुत उम्मीदें होंगी केकेआर के फैंस को और केकेआर टीम मैनेजमेंट को। अब देखना होगा पैट कमिंस किस तरह से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जितना उनका प्राइस टैग है क्या उस हिसाब से पैट कमिंस परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। और उसके अलावा इंडियन फास्ट बॉलर्स पिछले सीजन से बेटर करने की उम्मीद है मुझे प्रसिद्ध कृष्णा और शिवम मावी से। सो ये था केकेआर का प्लेइंग 11। अब इस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कि केकेआर आईपीएल में कहां तक पहुंच सकता है। अब इस टीम की बात करें तो केकेआर ट्रॉफी उठाएगा इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, लेकिन अगर इस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक यूनिट एज अ यूनिट अच्छा खेली ये टीम, क्योंकि अगर ये टीम आंद्रे रसल और ओएन मॉर्गन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टीम को एज अ यूनिट अच्छा खेलना होगा, और अगर वैसा परफॉर्मेंस दे पाई केकेआर तो मेरे हिसाब से केकेआर प्लेऑफ्स तक ज़रूर पहुँचेगी, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी जीतना अभी भी केकेआर के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग
वीडियोस के लिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके फेवरेट केकेआर प्लेयर कौन है।